अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि सर्कुलर रिंग या स्टिरअप की कटिंग लेंथ किस तरह मालूम की जाती है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक स्केच जो है वो ड्रा किया हुआ है। इस क्रॉस सेक्शन में जो कि है 35 mm, और इसकी जो मिनिमम हुक जो है वो है 75 mm, और 10 डाया। डाया जो है वो हम इस सर्कुलर रिंग का लेंगे, और जो डाया ऑफ सर्कुलर रिंग है वो है हमारे पास 8 mm। अब सबसे पहले तो हमें इसका जो रेडियस है वो मालूम करना है। तो इसका रेडियस हम कैसे मालूम करेंगे कि डाया ऑफ सर्कुलर कॉलम जो है वो है हमारे पास 1 मीटर या 1000 mm। तो इसके लिए हमें इसका रेडियस जो है वो मालूम करना है। तो हमने क्या करना है, जस्ट रेडियस इज इक्वल टू डाया ओवर 2। सो 1000 ओवर 2 इज इक्वल टू 500 mm। सो हमारे पास रेडियस जो है वो निकल आया है 500 mm। अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाला जो रेडियस है वो हमें मालूम करना है। तो इस रेडियस को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि रेडियस आर यानी छोटा रेडियस आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉलम माइनस कंक्रीट कवर कंक्रीट कवर ये है हमारे पास, या क्लियर कवर जिसको हम आप बोल सकते हैं। और माइनस हम करेंगे इसमें से हाफ ऑफ डाया बार। हाफ ऑफ डाया बार हम कौन सा करेंगे, ये वाला हाफ ऑफ डाया बार हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो चलिए हम इसमें से अब वैल्यू को पुट करते हैं। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉलम हमारे पास क्या था, 500 mm माइनस, अब इसमें हम क्या करेंगे, कंक्रीट कवर, कंक्रीट कवर हमारे पास क्या है, 35 mm, और माइनस हम इसमें से करेंगे हाफ ऑफ डाया बार। तो हाफ ऑफ डाया बार हमारे पास क्या है, 8 mm। सो 8/2 हम करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 461 mm। तो हमारे पास ये के रेडियस जो है वो आ जाएगा 461 mm। सो अब मुझे क्या करना है कि कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग या स्टीरअप जो है वो मालूम करनी है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2 इंटू 10 डाया। तो 2 पाई आर जो है वो है हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और जो 10 डाया है वो हमने एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो लेनी है। सो टू इंटू पाई जो है इसकी वैल्यू 3.14 होती है, और आर जो है वो हमारे पास इधर निकला हुआ है 461।
सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 2896.548 और +160। सो इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 548 mm। सो mm आ गया हमारे पास। अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हम इसको 1000 पर डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 3.056 मीटर। अब ये हमारे पास क्या निकला, ये कटिंग लेंथ।